हुंडई अल्कज़ार को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हुंडई अल्कज़ार भारत की एक ऐसी पहली SUV होने वाली है जिसके अंदर आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं सिर्फ बेस वेरिएंट से। आपको बेस वेरिएंट में ही इतने सारे फीचर्स मिलते हैं कि आपको इतने सारे किसी भी गाड़ी में नहीं मिले होंगे आज तक। हुंडई अल्कज़ार आपको 16 लाख से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक एक शोरूम मिल जाती है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट मिल जाते हैं और कौन से वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स हैं और कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इस गाड़ी को मेनली 3 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है प्रेस्टीज और मिड वेरिएंट है प्लेटिनम और टॉप वेरिएंट है सिग्नेचर। और इसके अंदर 6 और 7 सीटर ऑप्शन की वजह से और मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की वजह से गाड़ी के हर किसी वेरिएंट को सब डिवाइड किया गया है ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर। पहला है प्रेस्टीज, प्रेस्टीज ऑप्शनल, और दूसरा है प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑप्शनल, और तीसरा है सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑप्शनल। और इस गाड़ी में आपको टोटल 6 वेरिएंट्स मिलते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का 7 सीटर वर्जन खरीदना चाहते हैं, अगर आप हुंडई अल्कज़ार का 7 सीटर वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो आपको केवल 3 बेस वेरिएंट में ही आपको ऑप्शन मिल पाता है। पहला है प्रेस्टीज, प्रेस्टीज ओ और प्लेटिनम। और इसके अलावा आपको केवल टॉप 3 वेरिएंट्स में 6 सीटर का ही ऑप्शन मिल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको हर किसी वेरिएंट में मिलते ही मिलते हैं। इस मेरा मतलब है कि आपको जो फीचर्स आपको बेस वेरिएंट में मिलते ही मिलते हैं। और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं, जो फीचर्स आपको और गाड़ियों में टॉप वेरिएंट में मिलते हैं या फिर सेकंड टॉप में मिलते हैं, वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में कंपनी बेस वेरिएंट में ऑफर कर रही है। पहला है ऑटो हेडलैम्प्स। हाँ भाई, आपको ये फीचर्स बेस वेरिएंट में बिल्कुल स्टैंडर्ड मिलता है। जो फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है वही फीचर्स आपको इसमें बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिल सकता है इस हुंडई अल्कज़ार के अंदर। तो बस आगे आप देखते जाओ कि आपको कौन कौन से फीचर्स बेहतरीन मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट में। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्रोमिक मिरर, रियर डिफोगर विथ टाइमर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, LED हेडलैम्प्स विथ पोजिशन लैम्प्स, LED DRLs, LED टेल लैम्प्स, LED टर्न इंडिकेटर विथ ORVM, फ्रंट क्रोम ग्रिल, क्रोम वर्क फ्रॉम होम, क्रोम वर्क फ्रॉम फॉग लैम्प्स, डोर हैंडल्स एंड टेल गेट्स, फ्रंट एंड रियर स्किप प्लेट्स। और बस आप देख लीजिए आपको कितने सारे फीचर्स आपको उसमें मिल जाते हैं स्टैंडर्ड। बॉडी कलर्स ORVM, ब्लैक कलर विथ A&B&C कलर्स, पिलर कलर्स, शार्क फिन एंटीना, ट्विन एग्जॉस्ट, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, एम्बिएंट लाइटिंग विथ 64 कलर्स, मेटलिक डोर स्कप प्लेट्स, वॉइस इनेबल टू पैनोरमिक सनरूफ। हाँ जी, आपको इसके अंदर बेस वेरिएंट में ही सनरूफ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हुंडई की अल्कज़ार पर सेल्स पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हुंडई की अल्कज़ार की सेल बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट करेगी, क्योंकि हुंडई अल्कज़ार अपनी गाड़ी के बेस वेरिएंट में ही सनरूफ दे रही है। जो फीचर्स आपको और कार्स के अंदर सेकेंड टॉप वेरिएंट में मिलता था, वही फीचर्स हुंडई अल्कज़ार ने अपनी गाड़ी में बेस वेरिएंट में ही दे दिया है। नो डाउट यार, इस अकेले फीचर्स की वजह से इस गाड़ी की बिक्री में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन, टिल्ट एंड टेलीस्कोप स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट स्लाइडिंग सन वाइजर, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM, वायरलेस चार्जर, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, और फ्रंट की सीट्स के पीछे आपको एक टेबल मिल जाती है जिसके अंदर आपको इसके अंदर होल्डर वगैरह देखने को मिल सकता है, और इसके अंदर आप इसके अंदर लैपटॉप भी रख सकते हैं। अगर आप 6 वेरिएंट खरीदते हैं, 6 सीटर वेरिएंट खरीदते हैं, तो आपको इसके बीच में एक सेंटर आर्मरेस्ट कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर आपको उसमें भी एक वायरलेस चार्जर मिलता है। अगर आप एक सिंपल 7 सीटर वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इसके अंदर सिर्फ एक सिंपल सा आर्मरेस्ट मिल जाता है। और इसके अलावा रियर विंडो सनसेट, सेकंड रो और थर्ड रो में सेपरेट AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है भाई, कमाल कर दिया हुंडई अल्कज़ार ने तो। रियर वाइपर एंड वॉशर, LED रीडिंग लैंप्स, लगेज लैंप्स, पावर विंडो एंड को ड्राइवर अप एंड डाउन, सनग्लास होल्डर, पैसेंजर वैनिटी मिरर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टिंटेड ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल टेल गेट, फॉलो मी हेडलैम्प्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स। और इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जो बहुत ही बेहतर है। लेकिन आमतौर पर और गाड़ियों के बेस वेरिएंट में बहुत ही छोटी टच स्क्रीन दी जाती है, लेकिन इसके अंदर आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन दी हुई है। 6 स्पीकर्स और ब्लू लिंक कार कनेक्टिविटी, मतलब कि बेस वेरिएंट में ही आपको ब्लू लिंक कार कनेक्टिविटी दे रखी है हुंडई अल्कज़ार ने। और इसके अलावा इसके अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है इस सेगमेंट के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर आपको सेफ्टी के मामले में 4 डिस्क ब्रेक दिए हुए हैं, ABS, डुअल एयरबैग्स,
ईवीडी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सीट बेल्ट विथ पी टेंशन विथ लोड लिमिटर। अभी तक इतने सारे फीचर्स एक स्टैंडर्ड वेरिएंट में मैंने आज तक नहीं देखे। पूरे भारत के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट में अभी तक। और कमाल ही कर दिया यार हुंडई के, हुंडई को क्या कहें कि हुंडई ने फीचर्स के मामले में कमाल ही कर दिया। तो चलिए वेरिएंट वाइज फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेस्टीज के बारे में। तो प्रेस्टीज के अंदर आपको 6 और 7 सीटर दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिल पाता है, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मिल जाता है। तो 7 सीटर वेरिएंट आपको 16,30,000 से शुरू होकर 16,45,000 रुपये तक का मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डीजल में लेते हैं, डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हैं, तो आपको वही 6 सीटर 16,68,000 से शुरू होकर, और 7 सीटर लेते हैं तो आपको 16,53,000 रुपये तक का मिल जाता है। तो चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रेस्टीज ऑप्शन के बारे में। और इस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है और मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिल पाता, और इसके अंदर आपको केवल सिर्फ पेट्रोल इंजन 6 सीटर के साथ मिल पाता है, डीजल के साथ नहीं मिल पाता। और जिसका प्राइस है एक्स शोरूम 17,93,000 रुपये। और वहीं दूसरी तरफ डीजल में ऑटोमेटिक में मिल जाता है 7 सीटर ऑप्शन के साथ, और वो शुरू होता है एक्स शोरूम 18,00,000 से शुरू होता है। तो चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, बात करते हैं प्लैटिनम के बारे में। तो प्लैटिनम के अंदर आपको के अंदर दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों, और ये केवल सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। शुरू होता है एक्स शोरूम 18,22,00,000 से शुरू होता है, और डीजल में 18,45,000 रुपये तक मिल जाता है। तो प्लैटिनम में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेल्ट, बटन लैंप्स, 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स। आपको इससे पहले जो बात की थी हमने जिन्हें प्रेस्टीज और प्रेस्टीज ओ के बारे में, तो उनके अंदर आपको केवल 17 इंच के ही अलॉय व्हील मिल पाते थे, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ से मतलब कि प्लैटिनम से 18 इंच के अलॉय व्हील मिलना शुरू हो जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको यहाँ से 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलना शुरू हो जाती है, और इससे पहले वेरिएंट में आपको केवल 7 इंच की ही मिल पाती थी। लेदर सीट्स एंड डोर आर्मरेस्ट, सेकेंड रो हेडरेस्ट कुशन, 8-वे ड्राइवर एडजस्टेबल सीट, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और 8 स्पीकर मिल जाते हैं, वो भी बॉस के, जो अभी तक आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के मिल रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल जो वेरिएंट है उसके बारे में, प्लैटिनम ऑप्शन के बारे में। ये वेरिएंट, इस वेरिएंट में केवल आपको 6 सीटर ही ऑप्शन मिल पाता है, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जिसकी कॉस्ट शुरू होती है एक्स शोरूम, जिसकी कॉस्ट शुरू होती है 19.56 लाख से शुरू होकर 19.79 लाख रुपीज तक मिल जाती है, और 7 सीटर वेरिएंट आपको यहां से मिलना बंद हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर के अंदर आपको पेट्रोल डीजल दोनों ही मिल जाते हैं, लेकिन ये केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, वो भी 6 सीटर वेरिएंट के साथ में। इसकी कॉस्ट शुरू होती है 18.71 लाख से शुरू होकर 18.94 लाख रुपीज तक मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट, और अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट सिग्नेचर ऑप्शन के बारे में। ये इसके अंदर आपको पेट्रोल डीजल दोनों ही मिल जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, ये केवल 6 सीटर वेरिएंट में ही मिलता है, और इसकी कॉस्ट शुरू होती है 19.85 लाख से शुरू होकर 20.15 लाख रुपीज तक मिल जाती है एक्स शोरूम। तो ये थे इस गाड़ी मिलने वाले सभी वेरिएंट्स और फीचर्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो चलते हैं।